पूरा महायंत्रों पर भी विवेचन कर दें। महायंत्रों के निर्माण की आवश्यकता होती क्यों है और महायंत्रों के द्वारा प्राप्त विभीषिका क्या है, इस पर भी थोड़ा सा भाव व्यक्त कर देना मैं उचित समझता हूँ। सावधान। एक है यंत्र, एक है महायंत्र। यंत्र हमारे आपके पूर्वज जब आस्तिक थे, दिव्यदर्शी थे, जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्र का आलंबन नहीं लेते थे, समझ गए? इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता हैं ना, ये महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं के द्वारा होती थी, देवता के अस्तित्व पर आस्था समाप्त हो गई, दिव्य दृष्टि नहीं रह गई, यज्ञ आदि के द्वारा जीवन में दिव्यता के आधान की प्रणाली विलुप्त हो गई, तब क्या हुआ? उन कार्यों की सिद्धि जब व्यक्ति यंत्र से लेने लगा या लेना चाहा, तब उसने महायंत्र का आविष्कार किया। महायंत्र के आविष्कार का पहला सिद्धांत क्या है? देवताओं के प्रति अनास्था। देवताओं के प्रति जब तक आस्था थी, इंद्र, वरुण इत्यादि के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि होती थी उसके लिए यंत्र का आलंबन हमारे पूर्वज नहीं लेते थे। दूसरा लीजिए, पशुओं के सहयोग से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्रों का आलंबन हमारे पूर्वज नहीं लेते थे। पशु माने बैल इत्यादि, घोड़े इत्यादि। इधर ध्यान दीजिए, देवता भी चेतन, पशु भी चेतन। सहयोगी मनुष्यों के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि हो सकती थी उसके लिए यंत्रों का आलंबन नहीं लेते थे। जिन कार्यों की सिद्धि यंत्र के बिना नहीं हो सकती थी उन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए सामान्य सनातनी यंत्र का अवलंबन लेते थे, चक्की इत्यादि का, समझ गए? देवता से आस्था कट गई, पशुओं से दूरी बढ़ गई, सहयोगी मनुष्य से परहेज होने लगा, तब महायंत्रों के आविष्कार की भावना का उदय हुआ। महायंत्रों के आविष्कार के मूल में यह सिद्धांत है, देवता, पशु, सहयोगी मनुष्य निरपेक्ष, केवल यंत्र के ऊपर निर्भर जीवन जब होता है तो महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी जी स्वास्थ्य ठीक है, समझ गए? अब और लीजिए, यंत्रों के प्रयोजन पर थोड़ा विचार कीजिए। महायंत्र, यंत्र माने यहाँ महायंत्र, एक है यंत्र। यंत्र के द्वारा बेरोजगारी हो सकती है क्या? यंत्र के प्रयोग से बेरोजगारी नहीं हो सकती है, महायंत्र के प्रयोग से बेरोजगारी वे बिना रह नहीं सकती है। यंत्रों के प्रयोग से प्रदूषण नहीं हो सकता है, महायंत्रों का प्रयोग करने पर प्रदूषण हुए बिना नहीं रह सकता है। अब आगे लीजिए, महायंत्रों की आवश्यकता क्यों? समय की बचत। महायंत्रों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, प्रयोजन मन में क्या सन्निहित होता है? समय की बचत, बात ठीक है ना? रेल क्यों चाहिए, मोटरसाइकिल क्यों चाहिए, केवल साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल क्यों चाहिए, रेल क्यों चाहिए, हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए, वायुयान क्यों चाहिए? समय की बचत। महायंत्रों के प्रयोग का पहला प्रयोजन क्या है? समय की बचत। दूसरा प्रयोजन क्या है? सहयोगियों की बचत। जो काम 25 व्यक्ति 25 दिनों में कर सकते हैं, 8-8 घंटे रोज लगाकर, वो 2-4 घंटे में काम हो जाए, इसके लिए क्या होगा? महायंत्रों का आलंबन लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या होता है, महायंत्रों का प्रयोजन क्या? श्रम की बचत।
श्रम की कम समय में कम सहयोगी के द्वारा कम से कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक दूरी तय हो, अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन हो, उस उत्पादित वस्तु का आलंबन लेकर उपभोग करके हम मौज मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करें। महायंत्रों के निर्माण का यही प्रयोजन है या नहीं? देवता के प्रति अनास्था, पशुओं के प्रति अनास्था, सहयोगी मनुष्यों के प्रति अनास्था, यह तो महायंत्रों के मूल में सन्निहित विभीषिका है। और प्रयोजन क्या है? समय की बचत, सहयोगी की बचत, श्रम की बचत। लेकिन थोड़ा और विचार कीजिए, समय की बचत के लिए सारे महायंत्र हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है, क्या करूं, फुर्सत नहीं है। और सैद्धांतिक प्रवचन हो तो अभी घड़ी देखता है कि कब प्रवचन बंद होगा। और रेल पकड़ने के लिए वीआईपी लोगों की रेल तो छूट ही जाती है, भले ही ट्रेन लेट हो, तो एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। इसका मतलब समय बचत, समय को बचाने के लिए महायंत्र चाहिए। हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, क्या करूं, समय नहीं है। और जिसके लिए समय लगाना चाहिए जीवन को सार्थक करने के लिए, उसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। लो, है क्या, सवा घंटे भी रोज भगवान का भजन करते हैं? भगवान का भजन आवश्यक क्यों है? उसी के द्वारा जीवन सार्थक क्यों हो सकता है? 10 मिनट बाद, अधिक समय हम बोलना भी नहीं चाहते, आप लोग भी थक गए होंगे, 10 मिनट हम बताएंगे। पहले लीजिए, जिसके लिए समय का उपयोग होना चाहिए उसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं। लोग कहते मरने की फुर्सत नहीं, आपकी बात कौन सुने। तो महायंत्र, एक ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, अंधी पीसे बिल्ली खाए, कुत्ती खाए, मैं नहीं कह रहा बिल्ली खाए। महायंत्रों का पहला प्रयोजन है समय की बचत। बाबू हों या बाबा, किसी के पास समय नहीं। बुद्धिजीवी हों या श्रमिक, श्रमजीवी, किसी के पास समय नहीं। इसका मतलब महायंत्रों के आविष्कार का पहला प्रयोजन समाप्त हो गया। और कोई भी संस्था बना लीजिए, घर चलाइए, अंत में क्या कहेंगे, सहयोगी नहीं। यहाँ भी शायद वो हो बीमारी या ना हो, हम नहीं जानते। अंत में शिकायत क्या होती, क्या करूँ, सहयोगी नहीं। मैं भी यही कह सकता हूँ, दो चार और सहयोगी होते तो देखो चमत्कार क्या होता। मतलब हर व्यक्ति कहता है कि सहयोगी नहीं। हो गया, महायंत्रों के आविष्कार का जो प्रयोजन है वो दूसरा भी शांत हो गया या नहीं? पहले समय नहीं, फिर दूसरा सहयोगी नहीं, तीसरा हाथ उठाते उठाते व्यक्ति थक जाता है। ये घटना है, ट्रेन में मैं जा रहा था पंजाब की ओर, यहाँ से भी पंजाब की ओर ही जाऊँगा, लुधियाना की ओर, 7-8 साल पहले की बात। बिहार के कोई मेरे शिष्य थे, उनको मालूम पड़ गया होगा, और ट्रेन में मिलने आए दिल्ली में, वो लगभग पुलिस विभाग के 35 साल के रहे होंगे, पत्नी मान लो 32-33 की रही होगी। उन्होंने 7-8 सेब पॉलीथिन में दिया, हमने उनको ही पकड़ा दिया कि अब रास्ते में क्या पाना है, कल तो सुबह पंजाब पहुंचना है, स्नान पूजन के बाद ही पाना है, जो फल लेना था मैं ले चुका हूँ, आप ले लो। वो मुझसे बात करने लगे, स्वस्थ उनकी युवती, स्वस्थ पत्नी को उन्होंने वो थैला पकड़ा दिया। उनकी पत्नी क्या बोली मालूम है, हाय मर गई, इतना भार कौन उठाएगा, तुमने ये क्या पकड़ा दिया। अब मैं तो सुन रहा था, मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अब बताइए, 8 सेब का वजन 8 किलो तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या, दादी आपके घर में रही होंगी या नहीं, दादा बिना महायंत्र के वो इतना काम कर लेते थे, और आजकल की बहू रानी और आजकल के जो युवक हैं, देखिए बोर हो गया, थक गया, थक गई, इसका मतलब तीसरा प्रयोजन भी महायंत्रों का नष्ट हो गया या नहीं, नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या, महायंत्र बनाए जा रहे हैं लेकिन इधर ध्यान भी नहीं है कि एक भी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है क्या।
समय की बचत महायंत्रों के निर्माण का पहला प्रयोजन है, वो समय किसी के पास नहीं है, डायरेक्टर हो या इनडायरेक्टर किसी के पास समय नहीं और दूसरा प्रयोजन क्या है जी, दूसरा प्रयोजन क्या है, श्रम की बचत, हर व्यक्ति थका मांदा अपने को अनुभव करता है। तीसरा प्रयोजन क्या है, सहयोगी की बचत, हर व्यक्ति कहता क्या करूं, सहयोगी नहीं, इसका मतलब प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं क्या करूं, अकेले मोदी होकर मैं क्या करूं, मुझ जैसे कोई सक्रिय 10-20 मंत्री मिल जाते फिर देखना, फिर तो मैं क्या कर देता, लो जी सहयोगी नहीं, विभाग बदलते रहो होगा क्या इसका मतलब क्या हुआ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग तो करते जाइए, लेकिन महायंत्रों के प्रयोजन जितने हैं वो सब विफल होते जाएंगे, हो रहे या नहीं, और थोड़ा विचार कीजिए, मैं अब धीरे से बोलूँगा, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, ऊर्जा के चारों स्रोत आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत, पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित हुए बिना रह जाए संभव है क्या, क्यों जी, हमारा आपका जीवन किस पर निर्भर है, पृथ्वी पर, पानी पर, प्रकाश पर, पवन पर, आकाश आदि तो है ही, नास्तिक भी जिसको स्वीकार कर सकते हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और प्रतिक्षण पोषण होता है, वो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने के कारण विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित हो गए या नहीं, और हमारे यहाँ जब यज्ञ का युग था केवल यंत्रों का युग था, ये चारों भूत बुलंद रहते थे या नहीं, ये भूत बन के किसी के ऊपर लगते थे क्या, आजकल तो ये चारों भूत भूत बन गए, भूत हमने बना दिया, क्यों बना दिया, पृथ्वी दूषित, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, वैज्ञानिकों से पूछिए, पृथ्वी कुपित भी है, कुपित क्षुब्ध विकृत दूषित, जल देख ही रहे पेट में गैस हमें क्यों, अरे शुद्ध जल ही नहीं मिलता जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, जल विषाक्त हो गया, सूर्य चंद्र आदि की रश्मियाँ और गैस से भोजन बनाइए वो भोजन गैस ही गैस, इसका मतलब क्या हुआ, अब कौन डॉक्टर ऐसा है जो मरीज हुए बिना नहीं रहेगा, डॉक्टरों को मरीज बनाने की फैक्ट्री महायंत्र है या नहीं, कौन डॉक्टर ऐसा है, क्योंकि उसको भी तो अन्न वही मिलेगा, अन्न विषाक्त बन गया या नहीं, पानी वही मिलेगा चाहे बोतल का पानी पीते रहो, बाद में लोग कहेंगे प्लास्टिक के बोतल में रखा हुआ पानी विष है, फिर उसको आप फेंकोगे, फिर नया कोई अब व्यापारी आ जाएगा, उस व्यापारी के चपेट में फिर 10 साल बने रहेंगे, फिर एक नया व्यापारी वैज्ञानिकों का आलम्बन लेकर कहेगा ये भी विष, कितने विष से बचिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग हो और विकृत हुए बिना रह जाएं संभव नहीं है, आर्थिक विपन्नता ना हो, आर्थिक अनावश्यक विभेद ना हो महायंत्रों का प्रयोग होने के कारण, मनमोहन जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, धनी को धनी बनाने की प्रक्रिया ही इनके पास है और गरीब को गरीब बनाने की ही प्रक्रिया इनके पास, वो करेंगे क्या, इसका मतलब क्या है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहे, आर्थिक व्यवस्था संतुलित रहे, ये संभव है क्या, अच्छा संयुक्त परिवार संयुक्त सुरक्षित रहे क्या संभव है, महायंत्रों का प्रयोग होता है महानगर की संरचना के लिए, 1,10,00,000 वाले व्यक्ति सुन लें कानपुर वाले, महायंत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है स्मार्ट सिटी में, महानगर की संरचना में, यही ना, महानगर में आप निवास कीजिए वहाँ संयुक्त परिवार की दाल गलेगी, संयुक्त परिवार लुप्त हुए बिना रहेगा या नहीं, संयुक्त परिवार के लुप्त होने पर कुल देवी बचेंगी, कुल देवता बचेंगे, कुल गुरु बचेंगे,
कुल वधु बचेगी, कुल वर बचेंगे, कुल कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो अंत में क्या होगा, मनुष्य को संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के रख देना, यही महायंत्रों का स्वरूप है। यानी अंतिम परिणाम क्या है, अमेरिका ब्रिटेन आदि की ओर देख लीजिए, अंत में विकास का पर्यवसान कहाँ हुआ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया महानगर बनाकर, दाल में नमक के समान राजधानी आदि का निर्माण होता था, वहाँ भी केवल राजभवन पक्का होगा होता था, महानगर का आपकी रचना करेंगे महायंत्रों के द्वारा, पर्वत शेष रहेंगे, देख रहे हैं ना पर्वतों की, ये कंक्रीट कहाँ से, हम हों या आप, ये कंक्रीट की प्राप्ति कहाँ से होगी जी, नीचे से पत्थर निकालो, पत्थरों का समूह पर्वत को तोड़ो, यही ना। महानगर की संरचना कैसे होगी, जिनके ऊपर जीवन निर्भर है, सांस आदि लेने में जो उपयोगी हैं, भोजन करने में, वन विहीन, क्या खेती योग्य भूमि से विहीन, वन विहीन भूमि को बनाएंगे, तब तो महानगर की संरचना होगी या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, महामारी, महा संक्रामक रोग, बेरोजगारी, संयुक्त परिवार का विलोप, और एक बहुत अंत में मैं एक संकेत करता हूँ, वो संकेत क्या है सज्जनों, संकेत यह है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव है क्या, इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। ईश्वर का संकल्प प्रबल होने के कारण बीज के रूप में गोवंश इत्यादि की रक्षा हो सकती है, ब्राह्मण आदि की रक्षा, लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार भी होता रहे, प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। दिव्य वस्तु और व्यक्ति को विलुप्त करने की फैक्ट्री कौन है, महायंत्र। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार भी होता रहे, प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं। गंगा की दुर्दशा देख लीजिए, गाय की दुर्दशा देख लीजिए, सतियों का विलोप देख लीजिए, वेदों का विलोप देख लीजिए, ब्राह्मणों का विलोप देख लीजिए, और सबसे अंत में मानव जीवन की अपूर्वता का विघातक महायंत्र है,